बॉलीवुड की मोस्ट बजटेड मूवी सिंघम अगेन, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका। ट्रेलर रिलीज ही धमाकेदार तरीके से हुआ है। ट्रेलर की लेंथ है 5 मिनट। मैंने ट्रेलर देख लिया, ये बात कर लेते हैं। रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की ये 5वीं मूवी होने वाली है। पहली मूवी थी सिंघम, दूसरी सिंघम 2, तीसरी सिम्बा सूर्यवंशी, और ये है 5वीं मूवी सिंघम अगेन। ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही अर्जुन कपूर करीना कपूर को किडनैप करके लेके जाते हैं अपनी लंका। इसकी स्टोरी बिल्कुल रामायण पर होने वाली, जहां सीता माता को जब रावण हर ले जाता है लंका के लिए, वहीं श्री राम लंका जाके है और रावण को मार के उसकी सेना को कैसे सीता माता को वापसी लेके आते, यही कहानी का कॉन्सेप्ट होने वाला है सिंघम अगेन में भी। वहीं अजय देवगन प्ले करेंगे श्री राम का, लक्ष्मण का रोल प्ले करेंगे टाइगर श्रॉफ, हनुमान का रोल प्ले करेंगे रणवीर सिंह, वहीं जटायु का रोल प्ले करेंगे अक्षय कुमार। हर करेक्टर को रोहित शेट्टी ने अपने तरीके से प्रेजेंट किया है। जहां अजय देवगन की एंट्री जब होती है तो सीटियां तालियां बजती, एक्शन देखने को मिलता है, वहीं टाइगर श्रॉफ की एंट्री पे भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं लेडी सिंघम दीपिका पादुकोण की जब एंट्री होती, क्या ही लाजवाब एंट्री है भाई, एक नंबर की। जैसे अजय देवगन की पिछली मूवी में एंट्री हुई थी सूर्यवंशम में, वैसे ही एंट्री दीपिका पादुकोण की भी हमको देखने को मिली। उनकी फाइट सीक्वेंस, उनके डायलॉग अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं इस ट्रेलर के अंदर भी। वहीं रणवीर सिंह की भी एंट्री अच्छी खासी देखने को मिली, मगर डायलॉग तो ज़्यादा नहीं था, मगर एंट्री अच्छी खासी थी। अक्षय कुमार की क्या ही कहने एंट्री कहने भाई, वो तो हेलीकॉप्टर चैंपियन है, लटक के आना उनका शौक बन चुका है। रोहित शेट्टी ने जो हेलीकॉप्टर के ऊपर कार उड़ाई वो काफ़ी देखने में बेहतरीन लगी। इसमें चुलबुल पांडे भी होने वाले हैं, यानी अपने सलमान खान, उनको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे रोहित शेट्टी, ये देखना काफ़ी काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। जैकी श्रॉफ अर्जुन कपूर के बाप होने वाले हैं, जहाँ जैकी श्रॉफ को अजय देवगन पकड़ लेंगे, उसके बाद में जो अर्जुन कपूर का रुद्र रूप देखने को मिलेगा वो काफ़ी आपको दिल को दहला सकता है। उसी से कहानी पूरी स्टार्ट होती, वहीं से अर्जुन कपूर सीता माता यानी करीना कपूर को किडनैप करेंगे, यही मूवी में हमको देखने को मिलने वाला है। मगर इसके अंदर कुछ चीज़ें छुपा के भी रखी है रोहित शेट्टी ने, पूरा रिवील नहीं किया है ट्रेलर के अंदर, क्योंकि कुछ कुछ सीन में कुछ रेफरेंस देखने को मिल रहा है। अजय देवगन जो बंदूक चलाने का स्टाइल है, जो फाइट करने का स्टाइल है, कश्मीर वाला सीन है काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, खासकर लास्ट ट्रेलर के लास्ट वाला सीन। एक तरफ गन मशीन चला रहे हैं, दूसरी तरफ अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर से फायर कर रहे हैं, एक तरफ गोल चक्कर से गाड़ियों से टाइगर श्रॉफ फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो काफ़ी सीन मुझे ज़्यादा पसंद आया। आई होप ये वीडियो भी आपको ज़्यादा पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में।